नमस्कार, मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। आज हम 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने की एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो कि मैंने खुद ने बनाई है। तो देखिए, हमारे पास ये कुछ नंबर है 17 × 23। तो अब क्या हो कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखूं, यहाँ पर कुछ नंबर लिखूं, यहाँ पर कुछ नंबर लिखूं और मेरा आंसर आ जाए। तो अब हम ये देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है और हमारा आंसर कैसे आया। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 7 है इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद और जो इसको मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे 21। अब हमें इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 3 = 3, 7 × 2 = 14। अब हमें 14 और 3 को ऐड करना है, आंसर आएगा 17। तो हमें एक डिजिट का गैप छोड़कर यहाँ पर 17 लिखना है। अब आखिरी स्टेप है हमारा, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर 2 डिजिट का गैप छोड़ के हमें 2 लिखना है। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 193। ये आपका आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, 15 × 21। अब आप देखें तो हम यहाँ पर अगर एक डिजिट आ रहा है, जैसे 5 × 1 = 5, तो हम इसे 05 लिखेंगे। अब एक डिजिट का गैप छोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे 11, और क्योंकि 11 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1 × 1 = 1 और 5 × 2 = 10, 10 + 1 = 11। एक डिजिट का गैप छोड़ के हमने यहाँ पर 11 लिखा। अब फिर आखिरी स्टेप क्या है, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट का गैप छोड़ के हमने यहाँ पर 2 लिखा, प्लस करा, तो हमारा आंसर आ गया। होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ये ट्रिक मैंने कैसे बनाई इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।